येलो कलर में और ये है फुल लोड। इसमें सब कुछ किया गया मॉडिफाइड एग्जॉस्ट को छोड़ के बाकी सब कुछ इसमें मॉडिफिकेशन कर रखी है। और आप लोगों के लिए ये डिस्प्ले है कि इसमें से आप क्या कराना चाहते हो अपनी राइडर पर या अपनी अपाची पर या अगर आपका कोई और बाइक है। जितनी इसमें एक्सेसरीज हैं ये यूनिवर्सल हैं। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है और आप सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आप लोग मेरे चैनल पर इतना प्यार दिखाते हो गाइस। और जैसे कि आपने देखा आज के सिनेरियो में आपको दिखाने वाला हूं टीवीएस राइडर 125 की मॉडिफिकेशन। ये जो राइडर है ये है येलो कलर की और यहाँ अपने सामने खड़ी है ब्लैक कलर की। इन सबकी वीडियो आपको मेरे चैनल पर अलग अलग देखने को मिलेंगी, यानी कि एक ही वीडियो के अंदर आपको सारी राइडर नहीं देखने को मिलेंगी। अगर येलो की वीडियो बनाई तो सिर्फ उसमें येलो रहेगा, ब्लैक की तो फिर ब्लैक। और इसी तरीके की सारी वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएंगी, चाहे आपके पास राइडर हो, अपाची हो या आपके पास कोई भी टू व्हीलर हो। नॉर्मल बाइक से लेकर सुपर बाइक तक की सारी वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएंगी। सो चेकआउट कर लेना एंड सब्सक्राइब भी कर दें। और ये है फुल लोड, इसमें सब कुछ किया गया मॉडिफाइड एग्जॉस्ट को छोड़ के बाकी सब कुछ इसमें मॉडिफिकेशन कर रखी है। और आप लोगों के लिए ये डिस्प्ले है कि इसमें से आप क्या कराना चाहते हो अपनी राइडर पर या अपनी अपाची पर या अगर आपका कोई और बाइक है। जितनी इसमें एक्सेसरीज हैं ये यूनिवर्सल हैं। जिन बाइक्स में DRLs हैं वो कुछ कलरफुल DRLs अपनी इसमें बाइक में लगा सकते हैं। दिखाना रिमोट एक बार। और गाइस इसमें आपको रिमोट मिल जाता है जिसमें आप अलग अलग कलर सेट कर सकते हो परमानेंटली। कोई आपको सेट करना हो तो सेट भी कर सकते हो, अदरवाइज आप चाहो तो इसमें कलर भी चेंज कर सकते हो। रिमोट कुछ इस तरीके का इसका होता है और इसमें आप चाहो तो जो कलर सेट कर सकते हो। बाकी इसमें आप अलग अलग करोगे तो वो भी कलर चेंज होंगे, बट इसमें मैंने कर रखा है रेड कलर। और इसके अलावा जो है गाइस यहाँ पर आप इसमें हैंड गार्ड लगा रखे हैं जिसका बेसिकली आप देख सकते हो, इसमें आपको इंडिकेटर का भी ऑप्शन मिल जाता है। और ये है नॉर्मल हैंड गार्ड, बाकी आप चाहो तो फ्लेक्सिबल वाले और इससे भी हैवी आते हैं, बट ये काफ़ी लुक्स को बढ़ा देते हैं अगर आप इस तरीके के ऑप्शन पर जाते हो। कलर लिया गया येलो का क्योंकि बाइक के कलर है, अदरवाइज आप चाहो तो ब्लैक भी लगा सकते हो, ये डिपेंड करता है आपकी चॉइस पे। साथ ही उसमें लगाया गया सिमटेक का हैज़ार्ड जिसमें आपको 40-50 तरीके के पैटर्न मिलते हैं और पैटर्न को एक्टिवेट करने के लिए आपको इस स्विच को यूज़ करना है। और इस स्विच को आप लेफ्ट राइट पीछे प्रेस करते हो फास्ट तो इसके पैटर्न हो जाते हैं एक्टिवेट और आपको मिलेंगे इसमें करीब 40-50 पैटर्न्स। और अगर पर्टिकुलर कोई पैटर्न आपको पसंद है तो आप एक बार इस स्विच को और प्रेस कर दोगे इस तरीके से, दैट्स इट। अब ये पैटर्न आपका सेट हो गया है, अगर आप इग्निशन ऑफ भी कर दोगे तब भी यही रहेगा। इसके अलावा जब आप हैज़ार्ड लगवाते हो तो आपको यहाँ पर LED बल्ब लगवाने पड़ते हैं और LED बल्ब जो है वो हैलोजन के मुकाबले में काफ़ी तेज़ होते हैं रोशनी के हिसाब से भी, और फोकस टाइमिंग भी इसकी फास्ट होती है। अगर आप नॉर्मल इंडिकेटर दिखाओ तो इसका फोकस और ब्राइटनेस आप देखो तो कितना हाई है। और अभी देखो दिन का समय है, लाइटें भी काफ़ी जल रही है, प्रॉपर आप अंधेरे में जाओगे ना तो इसका फोकस और ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा होगा। इसके अलावा अगर मैं हैंडल पे आपको दिखाऊं तो यहाँ पर लगा रखा है जैसे मोबाइल होल्डर जो कि विदाउट चार्जर है, आप चाहो तो चार्जिंग वाला ऑप्शन ले सकते हो, बट चार्जिंग में क्या है इसके अंदर पहले से ही आता चार्जर। जिन बाइक्स में है ठीक है, जिनमें नहीं है तो वो इस ऑप्शन पे जा सकते हैं। बाकी यहाँ पर लद्दाख फ्लैग लगा रखा है जैसे कि आप देख सकते हो। वाइज़र जो है इसके काफ़ी सारी जो है जातियाँ हैं जिसमें से एक जाति ये वाली भी है। मेरा कहने मतलब है कि अगर आप चाहो तो किसी और तरीके का भी लगा सकते हो, लॉन्ग में शॉर्ट में, ये डिपेंड करता है कि आपको अपनी बाइक में कौन सा वाइज़र अच्छा लगता है। नहीं ये मैंने क्या बोला, डिपेंड है ना कस्टमर का भाई। ये आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से ये वाला भी आता है, ये मैच हो गया तो समझ लो कि आपका सीट कवर भी दोनों मैच हो गए। हाँ ये बात, ये बात तो सही है, ये तो क्या कहते हैं पता करना पड़ेगा। बाकी किस तरीके का भी आता है ये देखो गाइस। और गाइस बात आ रही थी सीट की, तो सीट जो है ये बोली तो येल्लो ही थी बट किसी कारणवश ये ऑरेंज लग गई, क्योंकि आज संडे का दिन है, संडे के दिन सबके पास टाइम नहीं होता तो कुछ सुनने में फर्क पड़ा जिसकी वजह से क्या ये ऑरेंज हो गया, बट ये पेंडिंग है, ये जब भी कभी दोबारा आएंगे तो इनको दोबारा से ऑरेंज कलर का लगा दिया जाएगा। बाकी सेम कॉन्सेप्ट होगा, सेम डिज़ाइन होगा, आप चाहो तो डिज़ाइन को चेंज भी कर सकते हो, आप चाहो तो ब्लैक रख सकते हो, आप चाहो तो और भी ज़्यादा कलरफुल कर सकते हो, डिपेंड योर चॉइस। इसके अलावा यहाँ पर आप सकते हो फुल बॉडी लैमिनेशन, जिसको अगर पास से भी आप देखोगे लेंस लेके तो पता नहीं चलेगा कि लैमिनेशन कहाँ पर की गई है और कहाँ नहीं की गई है। लैमिनेशन में जो पार्ट्स कवर किए जाते हैं तो ये वाला पार्ट्स हो गया आपका, इसके अलावा फुल टैंक हो गया आपका, हेडलाइट के साथ में ये वाले हैं ये पार्ट्स कवर किए जाते हैं, और आपका मडगार्ड। तो ये जो पार्ट है ये है फुल बॉडी लैमिनेशन में कवर किए जाते हैं। फोर्क स्लाइडर इसका बेसिकली यूज़ होता है इनकेस कभी बाइक गिर जाता है तो आपकी डिस्क, आपके शॉकर और आपका जो है मडगार्ड प्रोटेक्ट रहता है और लुक आपके सामने है। इसके अलावा यहाँ पर साइड में आप देखोगे तो यहाँ पर लगा रखे बॉडी इंडिकेटर जो कि आप देख सकते हो वाइस, और बॉडी इंडिकेटर जो है अगर मैं इंडिकेटर दूँ तो ये देखो येलो और वाइट दो है, आप चाहो तो ये वाला जो ये वाइट वाला पार्ट है आप ब्लू ले सकते हो, रेड ले सकते हो। और इसकी फिटिंग आप देख सकते हो कितनी प्रोफेशनली, ऐसा लगेगा नहीं कि आपने आफ्टर मार्केट वर्क करा रखा है, ये देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर स्लाइडर लगा रखे हैं जिसका बेसिकली ये यूज़ रहता है कि कहीं बाइक गिरती है तो ये तो प्रोटेक्शन है ही प्लस ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन है। फोक लाइट लगा रखे हैं जिसमें आपको दो कलर मिलते हैं येलो और वाइट, और वहीं यहाँ पर स्विच लगा रखा है टू इन वन लाइट और टू इन वन स्विच, ये देख सकते हो।
यानी कि येलो भी आप एक्टिवेट कर सकते हो और वाइट भी। वैसे तो बाइक का कलर ही येलो है तो इसको फॉग के समय जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ती है। बेसिकली जो फॉग लैंप्स होते हैं वो फॉग में या फिर बरसात वगैरह में काफ़ी अच्छा काम करते हैं और एक्सीडेंट के भी काफ़ी कम चांसेस रहते हैं, तो ये भी एक चीज़ है। इसके अलावा हॉर्न लगा रखें, हॉर्न प्रेस करने एक बार। और ये ऐसे हॉर्न है जिसका कोई चलान का इशू नहीं होता है, क्यों? ये हॉर्न है D95 है इसका कोड, मेरी इंटरसेप्टर में भी ये लगे हुए हैं और इस पर कोई चलान का इशू नहीं होता। हर बार भूल जाता हूँ मैं, इसलिए पहले सुना दे रहा हूँ क्या। और इसके अलावा गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो कि बाइक में इस जगह पे कितनी ज़्यादा मिट्टी जो है होल्ड हो चुकी है, आप देख सकते हो। रीज़न रहता है इसका टायर, अगर देख सकते हो टायर अगर नहीं लगा रखा था पहले, बट अब लग गया है तो आपकी बाइक साफ रहेगी, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, देख सकते हो गाइस आप। तो ये भी काफ़ी बेस्ट चीज़ है। और इसके अलावा यहाँ पर भी लगा रहे हैं, आप देख सकते हो डस्टर बेल्ट, ये भी टायर अगर काम करेगा, यानी कि जो मिट्टी वगैरह इससे यहाँ पर होल्ड है तो वो भी नहीं आएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हो गियर शॉक्स लगा रखा है। बाकी बहुत सारी वीडियो आपको अपने चैनल पर देखने को मिल जाएंगी टीवीएस रेडर अपाची की, तो चेकआउट कर सकते हो। सो गाइस ये थी टीवीएस रेडर की मॉडिफिकेशन और एक्सेसरीज जो आपने देखी। प्राइसिंग वगैरह के लिए सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन में से नंबर निकालना है, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। दिल्ली के रहने वाले हो तो डायरेक्ट आ सकते हो करोल बाग नए वाला मार्केट में SKD पर अपनी शॉप पर। तो आज की वीडियो में जितना मिले तो आपसे विदा, मैं आपसे मिलता हूँ फिर किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद जय भारत।